श्री राज बहादुर सिंह राज जी उपस्थित, विद्यालय के आए हुए हमारे नन्हे मुन्ने छात्र विद्यार्थीगण, समस्त उपस्थित विद्वान साथियों, आज का विषय बड़ा ही एक गौरवशाली विषय है जो इस संगोष्ठी में समाहित किया गया है, ब्रज साहित्य संस्कृति और लोक संपदा। मैं सबसे पहले आज के जो आगरा साहित्य उत्सव 2019 के जो संयोजक हैं डॉक्टर अमी आधार निडर जी और उनके साथ जितने भी सहयोगी हैं इस कार्यक्रम में, उन सभी के प्रति कोटिशह साधुवाद अर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि एक श्रम साध्य कार्य उन्होंने ये किया है यहाँ पर आगरा की भूमि पर, कि समस्त साहित्यकारों को लेकर के यहाँ की जो लोक संपदा है, जो संस्कृति है, उसको स्कूली बच्चों के बीच में बांटने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। क्योंकि आज जो संस्कृति है वो धीरे 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 देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती जा रही है और इसे आने वाली पीढ़ी को समझाना बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ रहते हैं, जिस भूमि पर रहते हैं, उसका जो इतिहास है, जो संस्कृति है, वो क्या है। क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम उस देश की संस्कृति, कला, साहित्य और वहाँ की जो लोक संपदा है उसका ज्ञान रखें और आगे आने वाले पीढ़ी को उसके लिए हम तैयार रखें, तभी हमारा देश उन्नति करता है और आगे आने वाले समय में हमारी जो नई पीढ़ी है अपने आप को व्यवस्थित कर लेती है कि हमारा इतिहास ये था, हमारा वर्तमान ये है और भविष्य की जो भावी योजनाएं हैं वो हमें क्या बनानी है। हमारी ब्रजभूमि जिसमें कि आगरा है, भरतपुर है, धौलपुर है, मथुरा है, कामा है, गोकुल है, आसपास के 84 कोस की जो यात्रा आती है आपने देखा होगा, वो समस्त ब्रजभूमि को इंगित करती है और आगरा और मथुरा हृदय स्थल हैं इस ब्रजभूमि के। हाथरस को ब्रज की द्वार देहरी कहा जाता है, इसी तरह से कामा और भरतपुर क्षेत्र को भी पश्चिमी क्षेत्र की द्वार देहरी माना जाता रहा है। अगर हम इतिहास की बात करें तो यहाँ की लोक कलाएं हैं वो समय समय पर पल्लवित होती रही हैं, कुसुमित होती रही हैं और पुष्पित होकर के उनका जो फल है वो हमारी नई पीढ़ी को मिलता रहा है। संस्कृति यहाँ की ऐसी है कि यदि हम देश से बाहर जब कभी जाते हैं तो जाते ही लोग जब ये सुनते हैं कि हिंदुस्तान से और विशेषकर मथुरा वृंदावन मथुरा से कोई अमुक व्यक्ति आए हुए हैं तो बिना कहे ही श्रद्धावत उनका जो मस्तक है वो झुक जाता है हमारी इस ब्रजभूमि से गए हुए उस व्यक्ति के प्रति। जब समय आता है कि वहाँ बात करने का तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि मथुरा में आज भी लोग राधे राधे कहते हैं, क्या आगरा के पेड़े उतनी ही मिठास के हैं जितनी मथुरा में है मिठास, क्या आगरा के पेठे का वही मिठास मथुरा और आसपास के क्षेत्रों से होता हुआ मुंबई, कलकत्ता, मद्रास होता हुआ विदेशों तक मिठास फैला रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृति की, इतिहास की बातें सबसे पहले लोग पूछते हैं कि हमारे समय में ऐसा होता था आगरा में, आज वहां कैसा होता है। तो बड़ा हमें
सौभाग्य मिलता है कि हम आगरा की भूमि के इतिहास को, बात को हम वहाँ बताते हैं कि आगरा में जो लोक कलाएं पल्लवित आज से 400, 500, 600 साल पहले होती थीं, वो आज भी होती हैं। हमारी संस्कृति ये पहचान है। किसी समय यहाँ पर मुगल काल में जब अकबर काल था तो लोक संस्कृति को बड़ा ही एक पोषण मिला था, उससे पहले भी मिला था। यहाँ की जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो पहनावा सबसे पहला आता है। माथे पर चंदन लगा हुआ देख करके देश के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति पहचान लेता है कि ये व्यक्ति मथुरा आगरा ब्रजभूमि से है। बात करने के लहजे के साथ साथ कोमलता यहाँ की संस्कृति की विशेष पहचान है। जैसे ही किसी से बात करते हैं तो एक मृदुभाषी होने का हमें गौरव प्राप्त है यहाँ की संस्कृति से। यहाँ की संस्कृति के तौर पर यहाँ के जो पहचान हैं, उस पहचान के बारे में भी बात होती है कि आगरा के ताजमहल देखने के लिए हम उस वर्ष गए थे, लाल किला देखने के लिए हम उस वर्ष में गए थे, फतेहपुर सीकरी में हम उस सन में देखने गए थे, आज वहां कैसा है। तो आदान प्रदान की ये जो प्रक्रिया है, जो संस्कृति है, वो आज भी ताजा है बच्चों, और इसे आपको धरोहर के रूप में आगे भी संरक्षित रखना है। ये कार्यक्रम मैं समझता हूँ इसी कड़ी के रूप में यहाँ पर है कि जो हमारी संस्कृति पहले थी वो आज भी है और आगे आपको इसको संरक्षित रखना है। आगरा ताजमहल के कारण जाना जाता है, लेकिन मैं यहाँ की लोक कलाओं के बारे में बात करूँगा, संस्कृति के बारे में बात करूँगा कि उसके बारे में भी आगरा बहुत दूर दूर तक जाना जाता है। ख्याल लावनी का एक यहाँ पर लोक कला है जो चंग पर गाई जाती है। यहाँ मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि चंग पर जो ढपली होती है उस पर लावनी गायन करके लोगों को जोड़ने का कार्य महाराष्ट्र से शुरू हुआ और वहां से तुकनगिरी महाराज इस क्रम को लेकर के जैसे ही आगे बढ़े तो आगरा जब आए तो आगरा के कचहरी घाट पर बैठ करके उन्होंने यमुना किनारे स्नान किया था और यमुना स्नान करने के बाद उन्होंने चंग पर जो तान सुनाई, आसपास के लोग आगरा के वहां इकट्ठे हुए। शाम को उनका कार्यक्रम रखा गया कि आप तो बहुत अच्छी एक गायकी गा रहे हैं, तो आसपास के लोगों ने बड़ा स्वागत किया, बैठाया। और यहाँ के गुरदयाल सिंह जो थे उन्होंने पैर पकड़ लिए और कहा कि महाराज आप मुझे अपना शिष्य बना लें। तो सबसे पहला कचहरी घाट यहाँ पर ख्याल लावनी दंगल का खुला और वो परंपरा चलते चलते धीरे धीरे पूरे देश में छा गई। ये आगरा की संस्कृति है, आगरा की लोक संपदा है ख्याल लावनी गायकी, जो चंग पर कुछ इस प्रकार गाई जाती है। चंग हाथ में होता है, अखाड़े हैं, कचहरी घाट का है और भी कई अखाड़े यहाँ पर हैं। मैं उसकी एक वानगी आपको दे रहा हूँ। एक साधु जी महाराज अजी बैठे जी, अजी बैठे जी यहाँ एक वन में, आंखों में उनके क्रोध छा रहा तन में। एक साधु जी महाराज अजी हाँ बैठे यहाँ एक वन में, एक ही वन में, आंखों में था वो क्रोध छा रहा तन में। देखा जो उसने हरिश्चंद्र को आते हुए जो मग में, देखा जो उसने हरिश्चंद्र को आते हुए जो मग में, बैठे बैठे ही समाधि लेने लगे तन में।
बैठे बैठे ही समाधि लेने लगे तन में। और कोई इसमें वादक और नहीं होता, केवल चंद की खनक बोलती है। इसी प्रकार से यहां की लोक संपदा को पल्लवित करने वाली लोक विधा है भगत विधा। भगत, जैसा कि नाम से ही हम जानते हैं कि भक्ति से संबंधित कोई विधा होगी गायकी की। भगत की बात यहां के जो बैठे हुए लोग हैं उनमें से कई लोग जानते हैं कि आगरा के इसी क्षेत्र में 1827 में सबसे पहली भगत यहां पर हुई। अंग्रेजों का काल था 1827। रूप बसंत मोती कटरा नामक जगह में सबसे पहले हुई थी। उससे पहले भी भगत होती थी, लेकिन सबसे पहली भगत मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस भगत में पूर्ण शास्त्रीयता थी। और यहां सामने हमारे फोटो लग रहा है नजीर अकबराबादी जी का। जब मोती कटरा में हुई तो नजीर अकबराबादी जी ने खड़े होकर के ये कहा कि जब हमारे ख्याल गायक बारह बारह चौक की एक लावनी बैठे बैठे लिख देते हैं तो एक भगत लिखने में कौन सी बड़ी बात है। ताजगंज में उनके जो समर्थक थे नजीर अकबराबादी जी के, उन्होंने एक दूसरा अखाड़ा स्थापित किया, ताजगंज का अखाड़ा। मैं यहां पर नए बच्चों को यह भी बता दूं कि ये अखाड़ा जो शब्द है वो ऐसा स्थान होता है जहां जोर अजमाइश की जाती है। पहलवानों का अखाड़ा होता है जहां शारीरिक बल की जोर अजमाइश होती है, शारीरिक बल का विकास होता है, लेकिन कलम और इलम, लेखनी और गायकी का जो जोर अजमाइश होती है, जो प्रशिक्षण होता है, उसको भी अखाड़ा कहते हैं। और वो यहाँ की लोक संपदा के अंतर्गत एक स्कूल के कैटेगरी का होता है। जैसे हम स्कूल में बच्चों को सिखाते